धर्म, आस्था, विश्वास, महीनों की मेहनत, करोड़ों का खर्च, किसी के लिए मनोरंजन तो किसी के लिए आजीविका का साधन। यह है स्त्री के सम्मान का पर्व, बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व, एक अनोखे राष्ट्र का अनोखा पर्व, विश्व का सबसे बड़ा सामुदायिक पर्व दुर्गा पूजा। देखिए, हिंदू धर्म में माता दुर्गा का विशेष स्थान है। बिना शक्ति के शक्तिमान का कोई महत्व नहीं होता है। दुर्गा की उपासना कोई आज वर्तमान प्रवेश की देन नहीं है। आदिकाल, भक्ति काल और रामायण काल में भी माता दुर्गा की पूजा हुई है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार युद्ध कांड में राम जी के द्वारा शक्ति की उपासना की गई। महाभारत के शांति पर्व में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा आदिशक्ति माता दुर्गा की उपासना की गई। महाभारत में, रामायण में, श्रीमद्भागवत महापुराण में शक्ति पूजा का स्थान दिया गया है। इन 9 दिनों के उत्सव के लिए करोड़ों लोग हर साल एक लंबा सफर तय करते हैं और यकीन मानिए, मंजिल से खूबसूरत होता है ये सफर। इस सफर के पहले राहगीर होते हैं ये मूर्तिकार। ये काम जो है हमारा पूर्वज के है, हमारा बाप दादा सब इसमें यही कमाई किया। साल भर में 2-3 महीना 4 महीना 5 महीना काम करते हैं और पूरा मतलब हमारा इनकम सोर्स यही है मूर्ति बनाना, और कोई काम नहीं हम लोग नहीं कर पाते। बंगाल से आए इन कलाकारों के लिए साल के 6 महीने ये कार्यशाला ही अस्थाई निवास बन जाती है। इनका किचन, बेडरूम, ड्राइंग रूम, ऑफिस सब यही है। हम तो 4-5 महीना पहले आ जाते हैं, 10-15-20 लेबर लेके, उसके बाद काम चालू हो जाता है। सामान वामान सब इकट्ठा करना पड़ता है, उसमें मिट्टी मंगाना, पैरा मंगाना, बांस मंगाना। मिट्टी जो है जो देहात से मंगाते हैं, तालाब से नहीं तो कोई खेतों से हम लोग काम लायक मिट्टी अगर हो तो वहाँ ढूंढ के तब मंगाते हैं। और थोड़ा बेसन लायक मिट्टी भी थोड़ा लगता है, वो ला के सब मिला के बनाते हैं। उसमें भूसी भी पड़ता है, धान का भूसी पड़ता है, उसमें बुरादा के भूसी पड़ता है, पटुआ के रेशा पड़ता है, और बहुत से सामान उसमें डालना पड़ता है, तब मिट्टी तैयार होता है। मिट्टी को अलग अलग रंगों में ढलते देखना एक सुखद एहसास है। मिट्टी से देव रचना के इस क्रम में मिट्टी को मजबूती देना इन कलाकारों की प्राथमिकता होती है। माँ से माटी, माटी से माँ तक पूरे जीवन का सार यही है, पूरे जीवन का सार यही है। माँ से माटी, माटी से माँ तक, माँ से माटी, माटी से माँ। माटी ही तन है, माटी ही धन है, माटी ही तन है, माटी ही धन है, माटी ही काया, माटी ही माया, माटी ही काया, माटी ही माया, माटी ही काया, माटी ही माया, माटी ही काया, माटी ही माया,
काया माटी ही माया माँ से माटी माटी से मातक इस महान उत्सव में खर्च भी काफी होता है इसीलिए संयोजक समिति के कार्यकर्ता तमाम लोगों से चंदा मांगते हैं जहां कुछ लोग धन से सहयोग करते हैं वहीं कुछ लोग श्रम तो कुछ साजो सामान भेंट स्वरूप देते हैं हम 20 साल से इस व्यापार से जुड़े हुए हैं शादी विवाह में टेंट लगाना हमारा काम है जैसे सीजन आप हो जाता है जब दुर्गा पूजा का प्रोग्राम किया जाता है वहाँ की समिति हम लोगों को बुलाती है अपना एल्बम दिखाती है एल्बम में ऐसा पंडाल हमको चाहिए तो हम लोगों का काम ये होता है हम लोग माल का सप्लाई करते हैं और उसके अलग ठेकेदार झारखंड से हम लोग बुलाते हैं वो जब काम देखता है तो उसके पंडाल की वो कीमत अपना बताता है मजदूरी तय करता है हम भैया इतनी मजदूरी लेंगे तो हम लोग क्या करते हैं उसकी मजदूरी दिलाते हैं हम लोग माल की सप्लाई करते हैं दुर्गा पूजा शुरू होने में बस एक माह का समय रह गया है इसीलिए क्या दिन और क्या रात सब बराबर है ये है इस महान सफर के दूसरे राहगीर मेरा नाम सुभान है हम लोग झारखंड से आए हुए हैं पंडा दुर्गा पूजा की सजावट के लिए और हर साल आते हैं दुर्गा पूजा में काम करने में बड़ा मज़ा आता है खुशी का माहौल रहता है उत्साह से सब कारीगर काम करते हैं मजदूरी चाहे थोड़ा कम ही मिलता है लेकिन काम सब जोर शोर से करते हैं समय पास आ रहा है मूर्तिकार आर के पॉल और साथी मूर्तियों को अंतिम रूप दे रहे हैं है कपड़ों की माँ के लिए साड़ी और चुनर तो पंडाल के लिए ऊपरी आवरण तैयार किया जा रहा है जैसे माता जी से सजा जात है टाकी है चुनरी तो माता जी का सजा जात है सब त्योहार पर रहते तो हम सब त्योहार मनाए थे हम हिंदू मुसलमान भले लेकिन हम सब धर्म में साज सज्जा अपने आखिरी दौर में है बस अब से कुछ ही दिनों बाद हमारे मूर्तिकार चैन की सांस ले सकेंगे चालू हो चुकी है दिन करीब आ रहे हैं तो कुम्हारों ने भी मिट्टी के कलश ढालने शुरू कर दिए हैं आखिर कुछ ही दिनों बाद कलश स्थापना जो है नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुसेतुहाराय सुमंगलाय सुपाशहस्ताय झसासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते
ओम भूर्भुवा स्वाहा अपाम पतये बम वरुणाय नमः भो वरुण आह्यामि अस्थापयामि हि पूजयामि हि अथ कलश स्थापनम्। कलश स्थापना के साथ ही नवरात्रि के इस महाउत्सव का शुभारंभ हो गया। पंडाल तैयार हैं, कलश स्थापित हो चुके हैं, रोशनियां सज चुकी हैं, अब बस इंतजार है तो माँ के आगमन का। भक्त माँ की मूर्तियों को पूरे गाजे बाजे के साथ पंडाल की ओर ले चले हैं। आज माँ के नयन पट खुलेंगे। अस्य प्राणा प्रतिष्ठन्तो, अस्य प्राणा क्षरन्तु च, अस्य देवत्वमर्चाय मामहेति च कश्चन महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देव्यै नमः आह्वयामि अस्थापयामि पूजयामि हि। भक्तों का उत्साह देखने लायक है। दुकानें सजने लगी हैं। आज से मेले की शुरुआत होगी। जहाँ ये मेला किसी के लिए मनोरंजन है, वहीं कुछ लोगों के लिए कमाई का जरिया। यहाँ मुझे लोग कई नामों से जानते हैं। कोई मुझे बहुरुपिया कहता है, कोई हनुमान जी के नाम से बुलाता है, कुछ लोग हैं तो मजाक में बंदर भी कह देते हैं। लेकिन मेरा नाम असली जो है वो गोपी विश्वकर्मा है। मजे की बात तो ये है कि गोपी विश्वकर्मा के नाम से मुझे यहाँ कोई जानता नहीं है। अगर किसी से आप कहेंगे कि हनुमान जी के यहाँ जाना है तो लोग बड़े प्यार से उसको मेरे घर तक पहुँचा देते हैं। ज़्यादातर लोग मुझे यहाँ हनुमान जी के नाम से ही जानते हैं। हम ये मेला वाला जब लगता है तो उसमें हनुमान जी का रोल मतलब इस तरह रूप धारण करके और लोगों को मतलब मनोरंजन करते हैं, और उसके बाद रामलीला वगैरह में भी हनुमान जी का पाठ अदा करते हैं। रोजी रोटी हमारा यही है और यही धंधा हमारा है, इसी से अपना परिवार का और अपना मतलब पेट पालते हैं। भैया दुर्गा पूजा का मेला तो हमारे लिए बहुत खास है। इसमें भीड़ बहुत होता है और गांव देश से बहुत दूर दूर से लोग इसमें मेला देखने के लिए आते हैं, और हम इसमें हनुमान जी का ये रोल करके फिर अपना डांस वांस करते हैं, और बहुत सारे बच्चे तो हमारे पास चले आते हैं, कोई हमारे बगल में खड़ा हो जाता है, कोई हमारे कंधे पे बैठ के क्या कहते हैं आजकल तो मोबाइल का ज़माना है तो सेल्फी वगैरह भी हमारे साथ लेते हैं, तो उनका मनोरंजन हो जाता है और हमको भी अच्छी कमाई मिल जाती है। पूरे साल में हम जो कमाई करते हैं ना तो उससे सिर्फ दाल रोटी चल पाता है, लेकिन दुर्गा पूजा में तो हमारा अच्छा कमाई हो जाता है। हम अपना घर का छप्पर वगैरह भी बनवा लेते हैं और बच्चों के लिए नए कपड़े और पत्नी के लिए नई धोती वगैरह भी ले लेते हैं, तो हमारे लिए दुर्गा पूजा वरदान है, एकदम समझे कि बोनस टाइप में हो जाता है। शाम ढल चुकी है लेकिन ये कोई आम संध्या नहीं है। गरजते स्पीकर्स, चमचमाती रोशनियां, विशाल पंडाल और सड़कों पर उतर आया जन सैलाब, सच में ये कोई आम संध्या नहीं है। इन रोशनियों में कलाकारों का हुनर कुछ और निखर कर सामने आता है। पंडालों की शोभा देखते ही बनती है। देखिए, जो दुर्गा पूजा का हमारा ये पर्व है, अब इसमें माँ दुर्गा की प्रतिमा को एक भव्य पंडाल में स्थापित किया जाता है। इसके बारे में लोगों के तरह तरह के विचार हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सिर्फ मूर्ति स्थापित कर दें, इतना भव्य पंडाल बनाने की क्या ज़रूरत है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं साहब, ये तो मूर्ति की सुरक्षा के लिए और जो श्रद्धालु आते हैं उनको मौसम की विषमताओं से बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये बात अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, पर सिर्फ इसका इतना ही महत्व तो नहीं है, बल्कि इसका बहुत गहरा महत्व भी है। हमारी लोक कलाएं और हमारी संस्कृति, इसकी जो बहुत सारी विधाएं थी वो या तो राजकीय संरक्षण के अभाव में आज लुप्त हो चुकी हैं, या उनको जानने समझने वाले जो हुनरमंद कारीगर थे वो उचित प्रोत्साहन के बिना आज
कुछ और काम करने या कई मामलों में बेरोजगार हो जाने की हद तक पहुंच चुके हैं। ऐसे में दुर्गा पूजा हुनरमंद कलाकारों को, शिल्पकारों को यह अवसर प्रदान करता है कि वो अपनी कला को न केवल प्रदर्शित कर सकें, विज्ञापित कर सकें, बल्कि इसके बदले में उनको अच्छे दाम भी प्राप्त हो जाते हैं। और अभी एक बहुत ही सुंदर पंडाल देखा मैंने जो नारियल की रस्सियों से बना हुआ था। अब नारियल की रस्सी एक वर्ग विशेष से, समुदाय विशेष से जुड़ी हुई है। तो इस प्रकार ये दुर्गा पूजा का जो हमारा एक विश्व का कह सकते हैं कि सबसे बड़ा सामुदायिक पर्व है, ये इसीलिए है क्योंकि इसमें समाज के हर समुदाय को बराबर प्रतिनिधित्व मिलता है। के दर्शन के लिए पंडालों पर आए तमाम श्रद्धालुओं के लिए भंडारों की भी व्यवस्था है। कहीं हलवा पूड़ी है तो कहीं छोले चावल। भक्तगण जमकर खाते हुए मेले का भरपूर आनंद उठाते हैं। पूरे 9 दिन चलने वाले इन भंडारों का बड़ा महत्व है। देखिए, हर पंडाल पर भंडारे की व्यवस्था होती है। जहाँ जहाँ दुर्गा पूजा का मंडप होता है, हर जगह अलग अलग भंडारे किए जाते हैं। इस भंडारे का विशेष उद्देश्य दरिद्र नारायण सेवा। दरिद्र नारायण सेवा इसका मतलब है कि हमारे देश में ऐसे भी कुछ लोग रहते हैं जो दो वक्त की रोटी नहीं पाते। उनको इस भंडारे के माध्यम से 9 दिन 10 दिन भरपूर भोजन उपलब्ध हो जाता है। ये भंडारा कोई अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता, ये सभी लोग मिल करके इस भंडारे को करते हैं। कोई गेहूँ दे दिया, कोई चावल दे दिया, किसी के पास कुछ नहीं है तो श्रमदान कर दे रहा है। तो आपस में दान करने की जो ये परंपरा शुरू से चली आती रही है, उसको इस उत्सव ने अभी तक जीवित बनाए रखा हुआ है। और इतना ही नहीं, ये भंडारे जो होते हैं वो सामाजिक समरसता भी लाते हैं। हर जाति पंथ के लोग वहाँ एकत्रित होते हैं, एक साथ प्रसाद लेते हैं। उसमें कोई ऊंचा नहीं होता, कोई नीचा नहीं होता, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, सभी एक लाइन में खड़े होकर प्रसाद लेते हैं। इससे ऊंच नीच जाति पात की भावनाएं समाप्त होती हैं और समरसता का भाव आता है। बुराई पर अच्छाई की जीत की प्रतीक दुर्गा पूजा रामलीला के बगैर कहां पूरी है। राक्षस राज रावण पर विजय प्राप्त करने की याद में जगह जगह रामलीला का आयोजन होता है। और इस आयोजन में गांव देहात के गरीब कलाकारों को जहाँ ये सम्मान मिलता है, वही अच्छी आमदनी भी हो जाती है। स्त्रियों का धर्म है अपने पति की पूजा करना और अपने पति की सेवा करना। इस सफर में ये कलाकार अहम भूमिका निभाते हैं। हमारे ये कलाकार पूरे 10 दिन रामलीला का प्रदर्शन करते हैं। लेकिन कुछ कलाकार ऐसे भी हैं जो छोटी मगर कमाल की भूमिका निभाते हैं। दूर दराज गांवों से मेला देखने आए श्रद्धालुओं को घर वापस जाने के लिए सुबह का इंतजार करना पड़ता है। ऐसे में उनका मन लगाए रखने के लिए जागरण से बेहतर कुछ नहीं। जागरण में गाने के अलावा झांकियों की शोभा भी देखते ही बनती है। दिन हो या रात, इस पूरे उत्सव के दौरान ना लोगों के पैर रुकते हैं ना मेले की रफ्तार।
9 दिन के उत्सव के बाद आती है विजयदशमी। इस दिन लोग रावण का पुतला जलाकर तमाम बुराइयों को होम करते हैं। रावण दहन के साथ ही माँ की विदाई की वेला आ गई है। लोग बाग इस विदाई को यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। पूरे गाजे बाजे के साथ माँ को अंतिम विदाई दी जाती है। इस सफर के आखिरी राहगीर, इनकी जरूरत सबसे आखिर में पड़ती है, लेकिन इनके बिना यह उत्सव कभी पूरा नहीं हो सकता। ये हैं हमारे निषाद बंधु। माँ दुर्गा को जीवन का प्रतीक माना गया है। गहराई में जाएं तो हम पाएंगे कि ये पर्व मानव जीवन के विभिन्न चरणों को दर्शाता है। जिस प्रकार मिट्टी से ये कलाकार माँ दुर्गा की मूर्ति का निर्माण करते हैं, ठीक उसी प्रकार हम अपनी माँ के गर्भ में एक कोशिका के रूप में आते हैं। फिर उस एक कोशिका से हमारे बहुकोशिकीय शरीर का निर्माण होता है। फिर गर्भ से निकलकर हम वास्तविक संसार में आते हैं, जैसे माँ दुर्गा की मूर्ति अपनी निर्माणशाला से निकलकर पंडालों में स्थापित होती है। हम मानवों के लिए ये संसार एक विशाल पंडाल की ही भांति है, जहां हम जीवन भर तरह तरह की लीलाएं दिखाते हैं। फिर एक दिन प्राणों के उत्सर्जन के साथ ही
हमें वापस उन्हीं पंच तत्वों में विलीन हो जाना होता है। जय श्री राम। जैसे मिट्टी की मूर्ति वापस मिट्टी से मिल जाती है, उसी प्रकार मिट्टी का ये शरीर वापस मिट्टी में मिल जाता है। दुर्गा पूजा का ये महापर्व मात्र एक त्योहार नहीं है, ये जीवन दर्शन है। देहि सौभाग्यमारोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विशो जहि वेद्यवन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विशो जहि।